नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर यादव पर। दोस्तों, पहले तो माफ़ी मांगता हूं मैं आपसे कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया कि कोई वीडियो नहीं आई थी। उसका रीज़न ये था कि पहले मैं अपने नेटिव प्लेस पर चला गया था और उसके बाद मुझे घर शिफ्ट करना था, तो घर शिफ्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं और फिर इंटरनेट कनेक्शन लेने में भी यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन लग गए, तो कनेक्टिविटी नहीं थी तो ट्रेडिंग भी नहीं हो पा रही थी। आज काफ़ी टाइम बाद सब कुछ सेट हुआ है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, और अब मैं ट्राई करूंगा कि एक वीक में कम से कम 3 वीडियोज तो आप लोगों के लिए आए। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि सेम डे, मान लो आज का जो अभी ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, तो आज तारीख है 16 सितंबर और अभी टाइम हुआ है कुछ 11:50, ठीक है। तो अगर हमें इंट्राडे पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है या पिछले दिन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके एंट्री या एग्जिट बनाना है, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इस वीडियो में मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर आज का हम निफ्टी का चार्ट देखें, तो निफ्टी को मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पर ओपन किया हुआ है। 15 मिनट्स में इसको ओपन करने का रीज़न ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा नॉइज़ उतना ही कम होगा, तो उसके लिए मैं मोस्टली निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पर ही प्रेफर करता हूँ। कोई भी आईटी हो, एनर्जी हो या निफ्टी हो, मतलब कोई भी अपना जो इंडेक्स होता है उसको 15 मिनट के चार्ट पर ही प्रेफर किया जाता है देखना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अभी पहले मैं आपको निफ्टी में बताऊंगा, फिर मैंने आज एक जो रिलायंस का ट्रेड किया है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ही मैंने उस चीज़ को डेली के जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं या तो उनके थ्रू कैसे मैंने निकाल के अपने एक ट्रेड किया था, ठीक है। तो अभी जो निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं पीछे का। तो देखिए, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था विच वॉज ऑन फ्राइडे, उसमें क्या हुआ था, तो मैं अभी इस लाइन को एक बार थोड़ा नीचे लेकर आ रहा हूँ। तो जो ये लाइन है, ये उससे जो फ्राइडे से पहले जो थर्सडे का अपना दिन था उसका हाई था और यहाँ पर कहीं लो था, ठीक है। तो ये आपने लो कंसीडर किया और उस दिन जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो कहीं ना कहीं इस रेंज के बाहर हुई है, 11,081, हाँ जी, क्लोजिंग इसके बाहर हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग डे को अगर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, इस वाले पॉइंट पर ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हुआ, नीचे आया और नीचे अगर इसने क्लोजिंग भी दी और तुरंत उसके बाद अंदर चला गया थर्सडे की रेंज के अंदर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि निफ्टी ने थर्सडे के लो से एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के उसको रिट्रेस किया और उसके बाद कंटिन्यूसली उसने उसके हाई को ब्रेक कर दिया कंटिन्यूसली अपसाइड में जाकर, ठीक है। ये एक जो ब्रीफ था उस दिन का, फ्राइडे की ट्रेडिंग डे का, वो है, ठीक है, कि क्या हुआ, निफ्टी नीचे गया, फेल हुआ, ऊपर जाकर क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए, अब आज क्या हुआ, आज निफ्टी थोड़ा सा वीक ओपन हुआ। वीक मतलब देखिए, यहाँ पर क्लोज हुआ था और उसके बाद नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो ये गैप जो था ऑलमोस्ट, और ये ऑलमोस्ट जो 11,000 का अपना जो एक साइकोलॉजिकल एक लेवल होता है, जो 11,000, 12,000, 11,100, तो उसके नीचे ओपन हुआ, लेकिन तुरंत उसके ऊपर जाकर वहाँ से सपोर्ट लिया और चला गया। अभी अगर आपको ये एनालाइज करना है इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, मैं पोजिशनल या लॉन्ग टाइम का नहीं बना रहा, सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से, कि जब निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो हमें ये देखना होता कि अगर ये ऊपर गया तो कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है और नीचे जाएगा तो कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब हम थर्सडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिए, पहला सपोर्ट तो यही वाला जो थर्सडे का लो था और जो फ्राइडे का लो था, ये वाले दो सपोर्ट लेवल हो गए हमारे, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की रेंज हो गई कि निफ्टी हो सकता है यहाँ पर आए तो इस रेंज के अंदर कैसे बिहेव करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर निफ्टी रुक गई, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, ये आप देखना कि जो रेंज बनती है, तो ये हमारे लिए रेंज बनी हुई है, एक सपोर्ट की रेंज है, क्योंकि अभी प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। अगर निफ्टी आती है और स्मूथली इसको ब्रेक कर देती है, इस लेवल को
रेस्पेक्ट नहीं करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल रिविजिट होगा, तो वापस जब आएगा तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दूसरा, अगर यहां पर आकर निफ्टी फॉर एग्जांपल ये यहां से गिरा था, यहां पर आकर थोड़ा सा रुकता है, हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन में ये यहां से सपोर्ट ले लेगी और ऊपर चला जाएगी। ठीक है, अभी देखिए हमने पहला जो सपोर्ट निकाला वो था थर्सडे का लो, ठीक है, जो कि ये वाला है, ये वाला लेवल जो 10,965 का जो लेवल है, आप ये यहाँ वाले बॉक्स में देख सकते हैं, जो ये लो था उस दिन का, यहाँ था थर्सडे का 10,965, और जो फ्राइडे का लो था वो था 10,946। तो मतलब जो ये 20 पॉइंट की रेंज बनी थी, ये हमारे लिए निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा अभी। उसके अलावा जब निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो क्या आप लोग ये मानेंगे, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 10 लाइन, कि निफ्टी ने ये वाला ट्रेंड डेवलप किया था। ठीक है, अब जब निफ्टी ने ये वाला ट्रेंड डेवलप किया, तो जब ये ऊपर जाती है, जब कोई भी स्टॉक या सेक्टर ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है, वो सब रेजिस्टेंस बनाता है, उसको ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरह से कोई स्टॉक ऊपर जाता है और जब नीचे आता है, तो वो कैसे करता है, सपोर्ट बनाएगा, उसको ब्रेक करेगा, उस कंडीशन में वो नीचे की तरफ आता है। अभी जब निफ्टी यहां से ऊपर जाने लगी, तो इसने भी कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस बनाया होगा और उसको ब्रेक किया होगा। अब देखिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, इसको भी डिलीट कर रहा हूं और इसको भी डिलीट कर रहा हूं। तो पहला तो आपका जो लो हो गया, यही वाला रेजिस्टेंस का काम करने लगा था जैसे ही निफ्टी नीचे आया। ठीक है, तो इसने इस वाले लो को ब्रेक किया, तो पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। उसके अलावा जो इसने इंट्राडे का रेजिस्टेंस फॉर्म किया, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर जो प्राइस था वो ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला। ठीक है, ये पहला था, उससे पहले ये कंडीशन कहीं भी नहीं है, ना हमें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है कुछ, और ये पहली ऐसी कंडीशन थी जहां पर प्राइस ग्रीन था और ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। इसका मतलब यहां पर इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, बाद में निफ्टी नीचे आया, यहां पर आकर उसने फिर से सपोर्ट लिया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हमारे लिए जो आज का दिन होगा, आज का जो ट्रेडिंग सेशन, मतलब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आज अभी तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट डेवलप किया है, वो बाद में बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सपोर्ट वैलिड है, यहाँ पर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो परसों का जो, सॉरी, लास्ट ट्रेडिंग डे का जो हमारा रेजिस्टेंस बना था, उसको यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया, आज वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग पीछे का रेजिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। अब आज के दिन का अगर हम देखें, तो आज भी देखिए वही कंडीशन है आपकी, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आ गया, वापस इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, वो उतना वीक नहीं हुआ है, इसने अभी तक कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी ऐसा सपोर्ट डेवलप नहीं हुआ है जहां पर उसको निफ्टी ने ब्रेक किया हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले को भी, क्योंकि यहाँ पर तो विजिट ही नहीं हुआ। अब देखिए, आज की रेंज ये बन गई कि निफ्टी यहाँ पर आया, सपोर्ट बना, इसने स्ट्रॉन्ग होने का कैसे आइडेंटिफिकेशन दिया, यहाँ पर इसने फिर से एक रेजिस्टेंस डेवलप किया, उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, सिंस निफ्टी में हमारे पास कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं होती, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये हाई वॉल्यूम्स के साथ किया है कि लो वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन हम इसको इतना ही कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। अभी जब ये ऊपर था तो ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, अभी हम देखते हैं कि आगे क्या कैसे बिहेव करता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज के लिए जो अभी पहला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें, तो पहला सपोर्ट हुआ 10,992, दूसरा रेजिस्टेंस जो बना था वो 11,031, इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 11,082। ठीक है, तो हम वॉच करते हैं कि कैसे आज निफ्टी बिहेव करता है, इस लेवल को सस्टेन कर पाता है, नहीं कर पाता, यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर जाता है, नीचे आता है। ठीक है, तो वो हम जब ट्रेडिंग ख़त्म होगी तब चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ निफ्टी का।
ठीक है, सेम वे आप एनर्जी सेक्टर का भी देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज रिलायंस को ट्रेड किया था, तो उसकी वजह से मैंने इसको ओपन किया हुआ था देखने के लिए कि क्या हुआ था। अब ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ कि स्टॉक में कैसे होती हैं चीज़ें। आज सुबह मार्केट में जब ओपनिंग हुई तो आप देख सकते हैं ONGC टॉप गेनर था और BPCL टॉप लूजर था, ठीक है। उसके अलावा रिलायंस अगर आप देखेंगे तो 36 रुपीज़ गैप डाउन था, 36 रुपीज़ ऑलमोस्ट 3% हो जाता है रिलायंस का, आप देख भी सकते हैं कि 2.99 दिखा रहा है, तो 3% गैप डाउन था। अब चेक किया निफ्टी की ओपनिंग को, निफ्टी साइडवेज ओपनिंग है क्योंकि ना नीचे है ना इसके ऊपर है, एनर्जी सेक्टर साइडवेज ओपनिंग है, रिलायंस गैप डाउन। मैं मार्क कर देता हूँ लेवल को कि जो उससे प्रीवियस डे का जो लेवल था वो कहाँ पर था, ठीक है। निफ्टी में साइडवेज ओपनिंग, एनर्जी में साइडवेज ओपनिंग और रिलायंस में गैप डाउन ओपनिंग। उसका रीजन क्या था, आई होप कि आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो रिलायंस ने अभी रिसेंटली जो सऊदी अरबिया में एक कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम, उसके साथ टाई अप किया था, तो उसके क्रूड ऑयल के जो उसके जो मतलब वो जो उनके जो वेयर हाउसेज थे शायद उनके ऊपर कुछ ड्रोन अटैक हुआ है, तो उसकी वजह से अगर आप लोग क्रूड ऑयल को भी देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी आज एक काफ़ी बड़ा स्पाइक बना के आया था पहले ही 5 मिनट में, ऑलमोस्ट 200-300 रुपीज़ का, ठीक है। मेरे इस वाले में शायद वो ओपन नहीं होगा क्रूड ऑयल, लेट मी चेक, आई थिंक इट विल नॉट ओपन, क्योंकि इस वाले में मेरे में मैंने वो उसको इनेबल नहीं करवाया हुआ, उसे मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं मोस्टली ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, उसमें क्रूड ऑयल ओपन है, ठीक है। तो मैंने उसमें चेक किया था कि ऑलमोस्ट 300 का उसमें कुछ स्पाइक बना हुआ था, ठीक है। उसका पीछे रीजन यही था कि वहाँ पर जो ड्रोन अटैक हुआ था और उसी न्यूज़ की वजह से रिलायंस नीचे ओपन हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हमें इंट्राडे में क्या करना होता है कि एक पोजीशन को डेवलप करना होता है इस हिसाब से कि हमारा स्टॉप लॉस भी मिनिमाइज हो और हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अब मैंने चेक किया कि निफ्टी गैप डाउन है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और निफ्टी साइडवेज था और ऊपर की तरफ ही जा रहा था, उसने ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिया कि नीचे गिर जाएगा, एनर्जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में इसको ओपन करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये भी ऐसा कुछ सिम्टम नहीं दिया इसने कि ये नीचे गिर जाएगा। इवन इसने एनर्जी सेक्टर ने तो अपना जो दिन का लो था उसको भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, देखिए एनर्जी सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है रिलायंस, तो अगर रिलायंस सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और एनर्जी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस भी ऊपर जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा तो एनर्जी सेक्टर भी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब हम लोग रिलेट करते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं जिसको, वो मैंने इसको एनालाइज किया। अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम था मेन कि अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो एंट्री कहां पर बनेगी, तो एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए अभी बनने के बाद तो मैं बोल दूंगा कि मैंने यहां पर एंट्री बनाई थी और स्टॉक को ऊपर चला गया। मैंने क्या किया, मैंने इसके पीछे के लेवल को थोड़ा सा निकालने की कोशिश की, 1, 2, 3, 4, 5 कि लास्ट वीक की जो ट्रेडिंग हुई थी उसका जो लो था वो यहां कहीं था, ठीक है। ये 1195 का कुछ होना चाहिए लो, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, क्योंकि मैंने एंट्री 1195.25 पर बनाई थी, आई रिमेम्बर। तो एक मिनट, इसका जो लो है, इसका जो 1195.25 आप उस बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ, 1195.25, ठीक है। और हम इसी लाइन को मार्क कर देते हैं और इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। देखिए सॉरी, यहाँ पर आया, ठीक है। देखिए मैंने उस लेवल की लेवल को मार्क किया 1195.25 पर, ठीक है। अब रिलायंस इसके नीचे ओपन हुआ था, ठीक है, जब नीचे ओपन हुआ तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, 5 मिनट में इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हुआ, लेकिन अगली बार ऊपर जाकर क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है,
हो सकता है एनर्जी सेक्टर नहीं गिरा तो रिलायंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे इसमें बनानी थी एंट्री, ठीक है। अब मैं इसको मॉनिटर करता रहा, ये रेड कैंडल बनी, लो वॉल्यूम्स के साथ बनी, और नेक्स्ट कैंडल में आप यहां पर अगर देखेंगे तो देखिए सपोर्ट बन गया, ये नीचे गया था रिजेक्ट होकर ऊपर आ गया, तो ये मेरा एक और सपोर्ट डेवलप हो गया इंट्राडे का, ठीक है। अब इंट्राडे का सपोर्ट डेवलप हो गया तो उसका मतलब है कि अब अगर ये इसने हायर हाई बनाना शुरू किया और इस हाई को ब्रेक करने के पूरे पूरे चांसेज हैं। इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, मैंने 1195.25 के ऊपर एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे रख दिया कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ऊपर चला गया यहाँ से तो ये यहाँ पर नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क था वो ऑलमोस्ट ₹3 का भी नहीं था, इसका कुछ लो है 1193.20, तो मेरा स्टॉप लॉस था 1193 का था, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ एक बार, 1193 का स्टॉप लॉस था, ठीक है, वो इस कैंडल के नीचे एकदम, ठीक है। तो मेरा रिस्क था वो था ऑलमोस्ट ₹2.50 का भी नहीं था, ऑलमोस्ट ₹2.30 का था, ठीक है, ₹2.30 का रिस्क था। मैंने टारगेट लगाया जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका लो, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि इन केस अगर रिलायंस को गिरना भी होगा तो पहले ये यहां तक तो जरूर जाएगा और यहां से गिरेगा अगर इसको गिरना होगा तो, ठीक है। तो देखिए यहां पर एंट्री बनी, यहां पर ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट हो जाते हैं, ये मेरा जो टारगेट था मैं आपको बता देता हूं, 1207.6 का टारगेट था, ठीक है, 1207.6 का ये वाला टारगेट था मेरा। इसने यहाँ पर ये सीधा यहाँ से उठा और जाकर इसने डायरेक्टली टारगेट दे दिया। उसका रीजन क्या था, एग्जिट करने का, मैंने फुल क्वांटिटी इसलिए एग्जिट कर दी क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस डेवलप किया था इसने, ठीक है, और एक यहाँ पर डे का रेजिस्टेंस था, तो मुझे लगा हो सकता है ये यहाँ से गिर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और मेरे बहुत से कलीग्स हैं उन्होंने यहाँ पर भी एंट्री बनाई है, उन्होंने फिर से इस चीज़ को देखिए यहाँ पर अगर आप दिन का वो देखेंगे तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट बना, और जो ये रेजिस्टेंस था ये थोड़ा सा वीक था वॉल्यूम के मामले में और सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉंग बन गया था, तो उन्होंने इस वाली रेड कैंडल के ऊपर फिर से एंट्री बनाई 1207 के ऊपर, और उनका टारगेट कुछ 1215 का था, उसका रीजन था 1215 का जो था ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है 3 बजे की, तो 3 बजे ये इसका लो, ठीक है, ये उनका टारगेट था। और देखिए इसने ये वहीं से फिर से रिजेक्ट होके अभी साइडवेज है और मार्केट भी एकदम साइडवेज हो गई है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंट्राडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तो जैसे कि आपका वीकली हाई वीकली लो, वीक का इंपॉर्टेंट कैंडल, डेली का हाई डेली का लो, डेली का इंपॉर्टेंट कैंडल, ठीक है। वॉल्यूम्स के साथ जैसे कि अगर आपको इंट्राडे में मैं बताऊं तो यहाँ पर वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम है 1,12,000, इसमें है 1,20,000, तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है और इसके नीचे ये वाला भी सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आज आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर मान लो स्टॉक गैप डाउन हुआ है तो आप वॉल्यूम वाला कोई भी कंसिडर कीजिए, आपका ऑलमोस्ट हर चीज़ वर्क करेगा। और जब साइडवेज होता है तब आप ट्राई कीजिए कि आप इंक्रीजिंग वॉल्यूम या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं उनको प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो ये था रिलायंस के बारे में। अभी देखिए मैं आपको TCS का दिखा देता हूं, क्योंकि TCS आज गैप अप ओपन हुआ था, TCS का गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। इसका मैंने देखा रेजिस्टेंस कहीं पर डेवलप हुआ, तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रखा है यहां पर, ठीक है। अब इसमें एंट्री बनानी है, तो एंट्री बनाने के लिए अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो इसके ऊपर एंट्री बनेगी, लेकिन मैंने जो एंट्री बना रखी है इसके अंदर, ठीक है, जो सॉरी बनाई नहीं है, बनाने की सोच रहा हूँ मैं अभी, मैं बस इसको प्रेफर इसका कंफर्मेशन देख रहा हूँ कि कहीं पर ये कंफर्म कर दे कि हाँ ये और ऊपर जाना चाहता है। क्योंकि इसने क्या किया है ना, अभी इसने ये जो हायर हाई है इसको सॉरी ट्रेंड लाइन के थ्रू ये इसने यहाँ पर सपोर्ट तो बनाया है, यहाँ पर देखिए आप इसने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ सपोर्ट बनाया है। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इस वाले लेवल को कहीं ब्रेक करके और
फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाकर गिरे और फिर यहीं से सपोर्ट ले ले, बट इसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। और अगर इसने इस दौरान अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, कल देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर इसने अभी नेक्स्ट वन आवर के अंदर अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो ये लेवल है, तो आई विल प्रेफर अ बाई एंट्री, ठीक है, और जो कि एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, मतलब 20 पॉइंट का जो टारगेट होगा, बट लेट्स सी कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और जब तक ट्रेडिंग चालू है देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप अगर देखेंगे, देखिए यहाँ से आया, रिजेक्ट हुआ, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये इंट्राडे का हाई था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया, ये देखिए इसके ऊपर ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश की, रिजेक्ट हो गया, वापस से गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से गिरा, यहां पर रेजिस्टेंस बनाया और इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। देखो ये सिम्टम होते हैं साइडवेज के, कि जब सपोर्ट भी ब्रेक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साइडवेज के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और अभी तो मोस्टली ये उस गैप को फिल कर चुका है जिस गैप के लिए इसने वो किया था पहली कैंडल में, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, अभी इसने देखिए इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हमारे लिए जो दूसरा लेवल मॉनिटर करने वाला है वो है ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल जो मॉनिटर करने का है, ये वाला लेवल है, इसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें से एक बार रिजेक्शन मिल चुका है, दोबारा ये अभी आया नहीं है यहाँ पर। इसका अगर आप हाई देखेंगे तो है 2144.60 और इस कैंडल का जो लो था ये था 2144.80, तो अभी भी 20 पॉइंट है। अगर ये वाली कैंडल इसको टच करके और फिर से हायर हाई बनाती है तो भी इसमें एक एंड बाई पोजिशन बनाई जा सकती है, जो आपका फिर स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो के आसपास होगा कहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। मैं फिर से जो नेक्स्ट टाइम कोई भी लाइव ट्रेड करूंगा उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया था। तो आज के लिए आप लोग रिलायंस के अंदर इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि TCS का अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो को अभी क्लोज कर दूंगा, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी नहीं डली हुई है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कि वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो बीच में स्टॉप करके कमेंट्री करनी पड़ती है, फिर उसको स्टॉप चालू करना पड़ता है, तो मुझे उतना नहीं आता है वो, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग चेक कर लीजिए रिलायंस को, ठीक है। निफ्टी का भी मैंने बता दिया कि कैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। आप इंट्राडे के हाई, इंट्राडे के लो, इंट्राडे का इंपॉर्टेंट कैंडल या जहाँ से कैंडल रिजेक्ट हो रहा है उनको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और आई विल ट्राई कि मैं अब वीक में कम से कम 3 वीडियोज़ बनाऊं, क्योंकि मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। कभी कभी मुझे नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, फिर कुछ बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो मतलब मोस्टली उस बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ता है, तो वीडियोज़ मेरी उतनी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनका एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है, और जॉब ऑब्वियसली दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी जब मार्केट में स्टेबल हो जाऊँगा अच्छे से, देन इट विल बी माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अभी जो आपका, मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास कई बार कॉल आते हैं कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो पहले आप शेयर मार्केट सीखने से पहले जॉब पकड़िए, क्योंकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट इतना ईजी नहीं है जितना हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं, इसलिए कम से कम इसको 2 साल तो आप दीजिए शेयर मार्केट को। लेकिन वो 2 साल आपके पास तभी अच्छे से आप लर्निंग कर पाएंगे जब आप लोग एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे अदर देन शेयर मार्केट। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग जो होते हैं उनको आप लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे, कि सीरियसली आई मीन कि लर्निंग के हिसाब से तो इट विल बी ऑब्वियसली सीरियस, लेकिन कि मतलब लॉस हो गया तो अभी मेरा घर का चूल्हा नहीं जलेगा वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आई सजेस्ट यू गाइज कि कम से कम पहले एक जॉब ढूंढो, उसके बाद आप शेयर मार्केट को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनेस्टली जितना यूट्यूब वीडियोज में दिखाया जाता है शेयर मार्केट को, ये उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, मुझे पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू गाइज, इसलिए इसकी फिर से वीडियोज बनानी पड़ेंगी। 2-3 वीडियो बनाएंगे तब कहीं जाकर समझ आता है, और लाइव मार्केट में बहुत सारी चीजें रहती जो काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए आप प्लीज
पहले एक जॉब ढूंढिए, उसके बाद आप शेयर मार्केट को चूज कीजिए। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लोग फोन करके पूछते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी है तो क्या मैं अब अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊंगा। देखिए वो आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट व्हाट आई विल प्रेफर या मुझे जो सिखाया गया है मेरे टीचर निर्मल सर ने, कि पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, जब तक दिमाग एकदम ऐसे इसमें रहेगा ना, अरे गिर गया, अरे उठ गया, गिर गया उठ गया, और इसी पर हमारा सब कुछ डिपेंड है, तो आप लोग मार खाएंगे। आप क्या हर कोई ऐसे ही मार खाता है, क्योंकि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, टोटल डिपेंडेंस इसके ऊपर है, ये भी हमें उतना अच्छे से नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि एक पार जिस चीज़ की फुल्ली नॉलेज ना हो तो उस चीज़ पे हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, ठीक है। तो मैंने जो सीखा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नाइट शिफ्ट को प्रेफर किया, ताकि मैं रात को थोड़ा सा एनालिसिस कर सकूं और दिन में उसको ट्रेड कर सकूं, क्योंकि दिन में अगर जॉब पर जाता हूं तो वहां पर आईटी सेक्टर में आप लोगों को पता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ अलग वेबसाइट खोलने की, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, अभी मुझे ये अक्षय ने बोला था कि सर प्लीज इंट्राडे के ऊपर वीडियोज बनाइएगा, तो मैंने उनके लिए बनाया है ये वीडियो मोस्टली। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो तो कोई स्पेशल टॉपिक हो, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लाइक इंडिकेटर ये वो। हाँ, एक जो सीरीज मैं स्टार्ट करूँगा वो ये कि स्टॉक को एनालिसिस करने का। फॉर एग्जांपल एक दिन हम रिलायंस को चूज कर लें, एक दिन हम HDFC बैंक को, एक दिन TCS को, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया मिलता रहे कि अच्छा अभी TCS बाय साइड पर है कि सेल साइड पर है, रिलायंस बाय साइड पर है कि सेल साइड पर है। और एक वीकली वीडियो जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है, या उसमें और भी जो सेक्टर हैं हमारे, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, उनको थोड़ा सा रिव्यू करके देखें कि एनर्जी सेक्टर में इस वीक में क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट वीक में वो कहां पर जा सकता है, अगर वो गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो कौन सी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हमें कौन सी साइड में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो मैं उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो चाहिएगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को समझा सकूं, और ये फ्री है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।